पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मियांवाली से एक बद हालत में तड़पता हुआ कैदी अपने परिवार को खत लिखता है। वो खत सीधा पहुंचता है भारत में उस कैदी के परिवार के पास। जब वो परिवार वाले उस खत को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। उस खत में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये लिखा था पाकिस्तान के उस कैदी ने जिसने पाकिस्तान की उस जेल में 16 साल बिताए थे। ये वो इंसान था जिसने अपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, जिसने सीक्रेट एजेंसीज को खबर देकर न जाने कितने मासूम लोगों की और आर्मी के जवानों की जान बचाई थी, जिसने पूरे 2 साल तक पाकिस्तानी आर्मी और ISI की ओर से दिए गए जुल्म और दर्द को सहा था। लेकिन फिर भी देश की सरकार ने उसे छुड़ाना तो दूर पर उसे पहचानने से भी मना कर दिया। इस शख्स का नाम है रविंद्र कौशिक, जिसे भारत का द ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। जानते उनके जज्बे की, कामयाबी की और कुर्बानी की कहानी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्बन। सितंबर 1983 में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो एक लो लेवल के एजेंट को पकड़ता है। इस एजेंट का नाम था इनायत मसीह, जो भारत के रॉ का एजेंट था। तब पाकिस्तान के ISI एजेंट्स को लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन उस एजेंट से पूछताछ करने पर जो उसने बताया उससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ISI की आंखें फटी रह गई। उस एजेंट ने कहा कि एक हाई लेवल का रॉ एजेंट पाकिस्तानी आर्मी में था। तब नाम सामने आया पाकिस्तानी मेजर नबी अहमद शाकिर का। ISI ने मेजर नबी अहमद को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ शुरू की गई। तब पूछताछ में ISI के लोगों को ये पता चला कि मेजर नबी अहमद इंडियन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जासूस थे और वो 1975 से ही भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। उनका असली नाम था रविंद्र कौशिक। अब इंटेरोगेशन करने वाले ऑफिसर्स बेचैन थे जानने के लिए कि रविंद्र कौशिक ने इतने बड़े काम को अंजाम कैसे दिया और कैसे वो रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बन गए। उस वक्त पूरी हकीकत जानकर उन ऑफिसर्स के होश उड़ गए। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 के दिन एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जगह थी राजस्थान का श्री गंगानगर। रविंद्र के फादर JM कौशिक एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे और उनकी मां का नाम था अमला देवी। रविंद्र SD बिहानी PG कॉलेज में पढ़ते थे, जहां से उन्होंने BCom ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था। रविंद्र अपने कॉलेज में थिएटर्स में भी काम किया करते थे और वो अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने में माहिर थे। रविंद्र की पर्सनैलिटी भी किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं थी। एक बार वो थिएटर में एक प्ले कर रहे थे जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर बने थे, जिसमें कुछ चाइनीज जवानों ने उसको चाइनीज आर्मी के साथ मिल जाने के लिए कहा, लेकिन वो जवान नहीं माना और रिमांड के साथ लड़ता रहा। उस वक्त ऑडियंस में बैठे रो के कुछ ऑफिसर्स की नजर रविंद्र पर पड़ी और मन ही मन में उन ऑफिसर्स ने रविंद्र को एजेंट बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि सीक्रेट एजेंसीज को ऐसे लोगों की तलाश होती है जो भेष बदलने में माहिर हो और अपने आप का बर्ताव या भाषा बदलना भी जानते हो। एक्टिंग से जुड़े लोग इस काम को बखूबी कर लेते हैं। उस दिन प्ले खत्म होने के बाद रो के ऑफिसर्स रविंद्र से मिले और उनको कहा कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है, क्या तुम वो काम करना चाहोगे? तब रविंद्र को कोई अंदाजा नहीं था कि वो काम क्या होगा। रविंद्र ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई तो उन ऑफिसर्स ने कहा कि तुम दिल्ली आओ, बाकी बातें वहीं पर होंगी। कुछ दिनों बाद रविंद्र दिल्ली पहुंचे। वहां पर रॉ के ऑफिसर्स ने खुलकर रविंद्र के सामने अपनी बात रखी और रविंद्र को समझाया कि वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो भारत की सरकार या भारत की कोई भी सेना नहीं कर सकती, और अगर वो एक एजेंट बना तो उसकी वजह से सैकड़ों सोल्जर्स की जान बचेगी, हजारों लोगों की जान बचेगी। रविंद्र पहले से देशभक्त किस्म के आदमी थे और उनके पिता भी एक सोल्जर थे, तो रविंद्र में भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, तो रविंद्र ने देश सेवा के लिए हाँ कह दी। तब रॉ के ऑफिसर्स ने बाकी खुलासे किए, जैसे कि रविंद्र किसी को भी इस काम के बारे में नहीं बताएगा, यहाँ तक कि अपने घर पर भी नहीं। इस काम में अगर वो पकड़ा जाता है तो सरकार या रॉ की तरफ से उसे कोई भी ऑफिशियल हेल्प नहीं मिलेगी और पकड़े जाने पर उसे देश की मिट्टी भी नसीब होगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। सारी बातें करने के बाद रविंद्र ने अपने घर पर कहा कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ। इसके अलावा उसने कोई भी बात नहीं बताई। अब रॉ में रविंद्र की ट्रेनिंग शुरू हुई। वहाँ पर उसे अंडरकवर ऑपरेटिव की सारी ट्रेनिंग दी गई। इसी के साथ उन्हें उर्दू जुबान बोलना और लिखना भी सिखाया गया और मुसलमान की तरह जीने के सारे तौर तरीके और रहन सहन सिखाया गया। उसे पूरी तरह से एक मुसलमान बनाने के लिए उसका सर्कमसेशन यानी खतना भी किया गया। ये ट्रेनिंग पूरे 2 साल तक चली। ट्रेनिंग के बाद रविंद्र को कुछ छोटे जासूसी के काम दिए गए, लेकिन उन सबको रविंद्र आसानी से पार कर गए। उनके काम और उनके शातिर मिजाज से सब बहुत ही खुश थे। इन सब के बाद रविंद्र को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और 1975 में रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। उनके सारे पाकिस्तानी दस्तावेज तैयार थे, जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, और ये दस्तावेज बनाना सीक्रेट एजेंसीज के लिए बहुत ही आसान काम होता है। अब रविंद्र को नाम दिया गया नबी अहमद शाकिर। 23 साल की उम्र में रविंद्र पाकिस्तान पहुंचे। उनके पाकिस्तान जाते ही उनके सारे भारतीय दस्तावेज को मिटा दिया गया, यानी अब ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे ये पता चले कि रविंद्र नाम का कोई इंसान कभी भारत में था। अभी
पाकिस्तान में जाकर रविंद्र एक आम पाकिस्तानी आदमी की तरह जीने लगे और वहाँ के लोगों से घुल मिल गए। फिर उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी और वो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गए। देखते ही देखते उन्होंने LLB में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया। इस तरफ रो भी उनसे बहुत खुश थी क्योंकि समय समय पर रविंद्र काफी जानकारी रो को दे रहे थे, लेकिन जितना रो ने रविंद्र को आका था उससे कई ज्यादा वो काबिल निकले। और ग्रेजुएशन के बाद रविंद्र ने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी ज्वाइन करने के बाद रविंद्र को कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट मिली और ऐसा पहली बार हुआ था जब रो का कोई एजेंट दुश्मन की आर्मी में ज्वाइन होने में कामयाब रहा हो। अब तो रविंद्र वो जानकारी दे सकते थे जो वो आम आदमी बनकर नहीं दे पाते। रविंद्र की काबिलियत से सिर्फ रो ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी भी बहुत खुश थी। रविंद्र की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मेजर की रैंक पर प्रमोट किया गया। रविंद्र की इज्जत पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रही थी। बाकी आर्मी के लोगों के साथ भी रविंद्र के रिश्ते अच्छे थे। पाकिस्तानी आर्मी के एक टेलर थे जिनसे रविंद्र का एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया था। उस आर्मी टेलर की एक बेटी थी अमानत, जिनसे रविंद्र की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और वो दोनों ज्यादा समय तक सिर्फ दोस्ती नहीं रहे, धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अमानत के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और बात आखिर शादी तक आ गई। लेकिन रो की परमिशन के बिना रविंद्र शादी नहीं कर सकते थे, तो रविंद्र ने रो से परमिशन मांगी। रो ने भी परमिशन दे दी क्योंकि जितने रविंद्र के रिश्ते मजबूत होंगे उतना ही वहां पर लोग उन पर ज्यादा भरोसा करेंगे। उसके बाद अमानत और रविंद्र की शादी हुई और कुछ समय बाद रविंद्र और अमानत माँ बाप भी बने। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के बीच रविंद्र ने बहुत ही अहम जानकारी रो तक पहुंचाई थी। उस जानकारी में पाकिस्तानी आर्मी की हर वो एक्टिविटी की खबर थी जो वो कर रहे थे या करने वाले थे। पाकिस्तानी आर्मी कोई भी कदम उठाए उससे पहले ही इंडियन डिफेंस तैयार था। इस तरह से इंडियन डिफेंस पाकिस्तान से एक कदम आगे चल रहा था और उसका पूरा श्रेय रविंद्र को जाता है। रविंद्र के बेमिसाल काम को देखकर तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर का नाम दिया। अब तक तो सब अच्छा चल रहा था पर यह सब ज्यादा दिन नहीं रहा। सितंबर 1983 में रो एक एजेंट को रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए भेजती है। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीह। इनायत एक लो लेवल का एजेंट था जिसने भी हाल ही में अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट की थी। पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ही ISI के ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनायत को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की गई। इनायत रविंद्र की तरह शातिर और जाबाज नहीं थे। कुछ देर की पूछताछ के बाद इनायत टूट गया और उसने ऑफिसर्स को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि रो ने उसे एक पाकिस्तानी मेजर के पास भेजा था और वो मेजर भी रो का ही हिस्सा है। ये सुनकर उन ऑफिसर्स के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दुश्मन देश का एजेंट पाकिस्तानी आर्मी में मेजर कैसे हो सकता है। अब ISI के लोग इतना तो समझ चुके थे कि रविंद्र एक शातिर आदमी था और अगर उन्होंने सीधा मेजर को अरेस्ट किया तो उन पर भी सवाल उठेंगे और रविंद्र बच निकलेंगे। तो ISI ऑफिसर्स ने इनायत को अपने प्लान के मुताबिक चलने के लिए कहा। इनायत ने प्लान के मुताबिक रविंद्र को एक पार्क में बुलाया। रविंद्र के आते ही उन दोनों में बातचीत हुई और इनायत ने रविंद्र को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। उसी वक्त ISI के लोग वहां पर आ गए और उन्होंने रविंद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब रविंद्र से पूछताछ शुरू हुई। रविंद्र ने अपनी पूरी कहानी ISI को बताई। आगे ISI ने रविंद्र को उनके साथ मिल जाने के लिए कहा और भारत के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा, लेकिन रविंद्र उनमें से नहीं थे जो खुद को बचाने के लिए देश से गद्दारी करे। रविंद्र ने बिना सोचे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया। तो ISI ने रविंद्र को डराने के लिए कहा कि तुम नहीं जानते तुम्हारे इस फैसले का अंजाम क्या होगा, पर जिनके दिल में देश प्रेम हो वो अंजाम से नहीं डरते। और रविंद्र ने समझौता करने के बजाय तकलीफ और जुल्म से गुजरने का रास्ता चुना। फिर सिलसिला शुरू हुआ दर्द, तकलीफ और जुल्म का। ISI ने रविंद्र से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हर तरह के टॉर्चर किए और रविंद्र ने सब टॉर्चर को सहा पर अपनी जुबान नहीं खोली। उनके टॉर्चर के बारे में ज्यादा तो कोई जानकारी मौजूद नहीं है, पर हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि दुश्मन के जासूस के साथ किस तरह का सलूक होता होगा। अक्सर ये देखा गया कि इन टॉर्चर में इंसान को फिजिकली और मेंटली डैमेज किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स का इस्तेमाल होता है और तरह तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। रविंद्र को इन टॉर्चर से 2 साल तक गुजरना पड़ा। इन 2 साल में रविंद्र को सियालकोट जेल में रखा गया। 1985 में रविंद्र को जासूसी के लिए दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उस सजा को बदलते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। रविंद्र को सजा के दौरान अलग अलग जेल में रखा गया जिसमें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल शामिल थे। इन कुछ सालों में रविंद्र को पूरा यकीन था कि भारत सरकार उनकी मदद जरूर करेगी, लेकिन ये सिर्फ रविंद्र का वहम था। भारत सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे रविंद्र की कोई मदद हो। मदद तो दूर की बात है, भारत सरकार ने तो रविंद्र को पहचानने से भी मना कर दिया और उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। 1987 से रविंद्र का परिवार उनको बचाने की जहमत में जुट गया। रविंद्र के परिवार ने उनकी रिहाई के लिए सरकार को बहुत सारी अर्जियां लगाई, बहुत कचहरियों के चक्कर काटे, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसी के साथ उन्होंने हर उस जगह पे खत लिखे जहां से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी।
एक खत पीएम वाजपेयी को भी भेजा गया, जिसमें रविंद्र की मां अमला देवी ने लिखा था कि अगर रविंद्र की सच्चाई से पर्दा नहीं उठता तो वो अभी भी पाकिस्तानी सेना में एक सीनियर ऑफिसर होते और आने वाले सालों में भी भारत की सेवा के लिए काम करते। आगे उनका कहना था कि सही जगह पर बैठा हुआ जासूस हजारों सैनिक के बराबर होता है, जो सही जानकारी देकर कम से कम 20,000 सैनिक की जान बचाता है। लेकिन इन सब खत का कोई भी जवाब नहीं आया और रविंद्र की पहचान कराना तो वैसे भी नामुमकिन था, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को मिटा दिया गया था। इसी दौरान रविंद्र किसी तरह से अपने घर पर खत भेजने में कामयाब रहे। उनके हाथों लिखे खत में उन्होंने बताया कि उन्हें जेल में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा था, उन पर इतने जुल्म हुए हैं कि वो सदमे से पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब उनकी हालत बहुत ही खराब है। उनका दिल दर्द और अफसोस से भरा था। उन्हें अफसोस ये था कि जो उनकी ये हालत है वो देश से प्यार करने की वजह से है। उन्होंने साफ लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? और आगे वो लिखते हैं, अगर मैं एक अमेरिकन होता तो 3 दिन में जेल से बाहर होता। और रविंद्र की इस बात ने उनके परिवार को पूरी जिंदगी सताया। आखिरी दिनों में रविंद्र को दिल की बीमारियां शुरू हो गई थी और उनमें पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस शुरू हो गया था, जिसे आम भाषा में टीबी कहते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के पास टीबी की दवाइयां नहीं थी तो रविंद्र के लिए उन्हें भारत से दवाई चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने रविंद्र के लिए दवाई भी नहीं भेजी। कई तरह की बीमारियों की वजह से रविंद्र की हालत ये थी कि वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे। नवंबर 2001 में रविंद्र अपनी जिंदगी से हार गए और अपनी आखिरी सांसें भरी। उन्हें मरते दम तक अपना परिवार या अपने देश की मिट्टी देखना भी नसीब नहीं हुआ। जिस जेल में उनकी मौत हुई उस जेल की मिट्टी में उन्हें दफन किया गया। ये खबर सुनते ही रविंद्र के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मौत हो गई। रविंद्र की मौत के बाद तो जैसे उनका परिवार एक मिशन पर उतर गया। वो चाहते थे कि जो कुर्बानी रविंद्र ने दी है उसे पूरा देश जाने और रविंद्र को पहचान मिले। रविंद्र के भाई आर्यन कौशिक का कहना है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ देश के लिए काम करने वाले एजेंट्स को पहचान दिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ही देश रक्षा की असली नींव है। उन्होंने सरकार से खुफिया एजेंट्स को पहचान दिलाने की मांग की और कहा, अगर सरकार वर्दी में लोगों का सम्मान कर सकती है तो अंडरकवर ऑपरेटिव्स का सम्मान क्यों नहीं। अमला देवी ने उस वक्त लीडर्स को सैकड़ों खत लिखे थे, जिसमें एल के अडवाणी और जसवंत सिंह भी शामिल थे, लेकिन उनके परिवार को सरकार की ओर से कोई भी फायदा नहीं हुआ और उन्हें कभी पेंशन तक नहीं मिली। उन्हें सरकार की ओर से महीने के सिर्फ 500 रुपए मिले। क्या सिर्फ 500 रुपए के लिए उनके बेटे ने इतनी तकलीफें झेली थी और अपनी जिंदगी और मौत तक को बिगाड़ दिया था? यहाँ पर हमें वही देखने को मिला जो आमतौर पर देखा जाता है, कि जासूस अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जीता है। जो अपने देश के लिए खतरे में रहता है उसके पकड़े जाने पर देश की सरकार उसे कभी अपना मानती ही नहीं। रविंद्र इतने काबिल थे कि वो कोई भी काम करते तो उसमें कामयाब होते, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। रविंद्र ने तो अपना फर्ज पूरी तरह से अदा किया, लेकिन सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने फर्ज से चूक गए, जिसका गम रविंद्र ने मरते दम तक सहा था। और उनके लिए उनके परिवार ने ऐसी जंग लड़ी जो ना तो कभी खत्म हुई और ना उन्हें कभी जीत मिली। रविंद्र को देश प्रेम की सजा ये मिली कि उनका हंसता खेलता परिवार टुकड़ों में बट गया। देश की अथॉरिटीज भले ही रविंद्र को भूल जाए, लेकिन जो उन्होंने किया है उसके लिए हम रविंद्र को कभी नहीं भूलेंगे। देश के ऐसे जाबाज सिपाही को हम दिल से सलाम करते हैं और उनकी शांति के लिए दुआ करते हैं। हमें उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए बर्बन को। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।